इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मेहरौली के भीड़ भरे इलाके के बीचों बीच आपको एक दरवाजा दिखाई देगा, वो जफर महल के नाम से जाना जाता है। इस महल से आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की दर्द भरी कहानी जुड़ी है। बहादुर शाह जफर को उम्मीद थी कि मरने के बाद उन्हें इसी जगह दफनाया जाएगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको उस पूरी घटना के बारे में जानना होगा जिसने इस जगह को अंतिम मुगल बादशाह के लिए यादगार स्थान बना दिया। देखिए, किस्सा कुछ यूं है कि अकबर शाह सानी, जो भारत के लास्ट सेकेंड मुगल एम्परर हुए हैं, इनका बेटा था मिर्ज़ा जहांगीर। मिर्ज़ा जहांगीर ने मुगल दरबार में जो रेजिडेंट ऑफिसर था उसके साथ कुछ बदतमीजी की, जिससे जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका मजाक बनाया गया। उस समय अंग्रेज़ को कुछ समझ में नहीं आया क्या है, पर आगे एक दो दिन कुछ टाइम के बाद यूं हुआ कि नौबत खाने की छत पर मिर्ज़ा जहांगीर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और जहां वो अंग्रेज़ अफसर टहलकदमी कर रहे थे गोली चला दी। अफसर को तो नहीं लगी, उनके साथ जो उनका ऑर्डरली था उसे लग गई, वो मारा गया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इसने एक ब्रिटिश एम्प्लॉय का कत्ल किया है, तो उठाकर मिर्ज़ा जहांगीर को जो है वो अलाहाबाद के किले में कैद कर दिया। यहाँ जो मलिका थी मिर्ज़ा जहांगीर की मदर, उन्होंने आके ख्वाजा काकी के यहाँ दरगाह पे दरख्वास्त की कि अगर उनके बेटे को बख्श दिया जाएगा तो वो आके फूलों की चादर चढ़ाएंगी। कुछ हुआ यूँ कि वो किसी तरीके से बच गया, बचकर वापस आ गया। तो मलिका ने बादशाह को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने तो मन्नत मांगी हुई है। तो अकबर शाह सानी और मलिका दोनों जो हैं वो लाल किले से चलकर यहाँ तक आए। उन्होंने आकर पहले तो योगमाया माता के मंदिर में पंखा चढ़ाया, क्योंकि जब वो योगमाया माता के मंदिर के आगे से गुजर रहे थे तो उस समय अकबर शाह ने ये कहा कि ये गुस्ताखी होगी अगर मैं सीधे हज़रत काकी की दरगाह पर चले जाऊँ और माता के मंदिर के आगे से निकल के चले जाऊँ बिना सजदा किए, बिना माथा टेके। तो वो पहले वहाँ अंदर गए, उन्होंने वहाँ पंखा चढ़ाया, फिर वो दरगाह पर गए, वहाँ फूलों को चढ़ाया गया। और तब से ये प्रथा चल गई फूल वालों की सैर, या सैर गुल फरोशा जिसे हम कहते हैं, वो एक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया जो कि वो हर साल मनाने लगे। तो यहाँ आते थे तो मुगलों ने अपने लिए यहाँ पर एक छोटा सा महल, जिसे उस समय रंग महल कहा गया, वो बनवाया। अकबर शाह के बाद जब बहादुर शाह जफर की बारी है, बहादुर शाह सानी की, उसके आगे कुछ इजाफा किया, कुछ और एक्सटेंशन किए, कंस्ट्रक्शन किए, तो हाथी गेट नाम का जो स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल आगे, जो इस समय जफर महल का आइकॉनिक स्ट्रक्चर है या आइडेंटिटी है, वो उन्होंने उसके अंदर ऐड करवाया था, जिसके अंदर वो हाथी के ऊपर बैठ के हौद समेत अंदर दाखिल हो सकते थे। और उसकी वजह से इस पूरे इलाके का नाम, जो उस पूरे बिल्डिंग का नाम जफर महल पड़ा। ये किसी 3 मंजिला इमारत की तरह बुलंद जफर महल का दरवाजा है। इसकी ऊंचाई की वजह से ही बहादुर शाह जफर हाथी की पीठ पर बैठकर महल में दाखिल हो सकते थे। अंदर के खंडहरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महल कितना बड़ा रहा होगा। यहाँ सबसे पुराना जो स्मारक है वो तुगलक के जमाने का है। जहाँ अभी जफर महल खड़ा है उस जगह पर एक खाली मैदान या शायद कुछ घर रहे होंगे, क्योंकि जब ये लाल महल या बाद में जफर महल बनाया गया तो इसका कोई दस्तावेज हमारे हाथ नहीं लगा है जिसमें ये लिखा गया हो कि वहाँ पर क्या था जिसको हटाकर ये बनाया गया। हम जानते हैं कि दरगाह बिल्कुल वहीं है और दरगाह के आसपास आबादी तो जाहिर हो ही गई होगी। हाँ, जफर महल के बीचों बीच एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिसे लोग बताते हैं कि तुगलक के ज़माने का है। तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा, उसके आसपास एक नई कंस्ट्रक्शन कर दी। अगर वो तुगलक एरा का एक टूम वहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो जाहिर है वहाँ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अंदर से जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो महल का छोटा सा हिस्सा रहा होगा। दरअसल महल बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ होगा जो अब नाजायज कब्जों का शिकार हो चुका है, और आज बच्चे इसे खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छे नहीं हुई भाई। जब भी मुगल कोई महल बनाते हैं तो वहां पर रंग महल, मोती मस्जिद, हमाम और ऐसे सारे ऐशो आराम के उन चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं, जिसमें से मोती मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जो आज भी बरकरार है।
जो नौबत खाना है, दरवाजे से अंदर घुसते ही जो पवेलियन है जहाँ पर नगाड़े बजा के, नौबत या शहनाइयाँ बजा के बादशाह का स्वागत किया जाता था, इस्तकबाल किया जाता था, वो जगह आज भी मौजूद है। पीछे के महल, कमरे या और क्या क्या इसमें था, गुसलखाने कहाँ थे, हमाम कहाँ था, वो सारी चीज़ें अब हमारे पास नहीं है और हम यकीनी तौर पर कह भी नहीं सकते कि वो यहाँ पर थी भी कि नहीं। ज़फ़र महल कितना बड़ा था ये भी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस दौर में ये बना उस दौर में बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल जो है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अब मौजूद नहीं है उस दौर के। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि मेहरौली के अंदर ज़फ़र महल के पीछे का जो पूरा इलाका है, वहाँ घूमते घूमते बहुत बार हमें ऐसे दीवारें और पत्थर नज़र आ जाते हैं जो लगता है कि शायद से ज़फ़र महल का हिस्सा रहे हों। एनक्रोचमेंट होती गई और अभी तक चल रही है, अभी भी उसके बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो दिन पर दिन जो है वो डेवलपमेंट की आड़ में हम लोग खोते जा रहे हैं। मुगल दौर की सबसे अहम निशानियां यहां मौजूद कब्रें हैं। बहादुर शाह जफर के पिता अकबर शाह और उनके पूरे परिवार की कब्रें यहीं मौजूद हैं। संगमरमर के बीच जो खाली जगह है, जो अब हरे से टुकड़े की तरह दिखाई दे रही है, यही आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की दर्द भरी कहानी कह रही है। सन 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने 83 बरस के बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था, लेकिन उन्हें और ज्यादा बेइज्जत करने के लिए मुगल बादशाह उनकी बेगम जीनत महल और उनके खानदान के करीबी लोगों को अंग्रेज सिपाहियों की निगरानी में बैलगाड़ी से भेजा गया था। 4 साल बाद बहादुर शाह जफर का देहांत हो गया और उन्हें विदेशी धरती में दफना दिया गया। बहादुर शाह जफर की ख्वाहिश थी कि उन्हें दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के नजदीक मेहरौली में अपने पिता के कब्र के पास ही दफनाया जाए, जहां उन्होंने अपनी कब्र के लिए जगह पहले से ही तय कर दी थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अकबर शाह सानी जो है वो यही जफर महल में दफन है। उस छोटे से इनक्लोजर को सर्दगाह कहा जाता है और बहादुर शाह जफर ने वहाँ पर अपने लिए भी एक प्लॉट खाली छुड़वाया था। उनकी फैमिली के और मेंबर्स, उनके भाई, उनकी मदर वहीं दफन है और जफर भी चाहते थे उन्हें वहाँ दफन किया जाए। 1857 का जब गदर हुआ, क्रांति का उसने रूप लिया, तो हालात कुछ ऐसे बदले कि अंग्रेज़ उन्हें गिरफ्तार करके बर्मा ले गए रंगून में, वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं उन्हें दफना दिया गया और उनके शरीर को कभी भी वापस नहीं लाया जा सका। तो वो जो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, वो 2 गज ज़मीन आज भी वैसे ही खाली छोड़ी गई है, पूरे में संगमरमर लगा हुआ है फर्श पे, लेकिन उतने जगह पर संगमरमर नहीं लगाया गया, उनकी याद में उस जगह को खाली छोड़ा गया है। इस मार्मिक स्थिति को शायर सिमाब अकबराबादी ने कुछ इस तरह बयां किया है। 1919 के एक मुशायरे में सीमाब अकबराबादी ने एक बेहतरीन नज़्म पढ़ी थी, जिसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़फ़र के साथ एसोसिएट करते हैं और कहते हैं कि ज़फ़र ने ही ये लिखी थी, क्योंकि वो ज़फ़र के आखिरी दिनों के हालात को बयां करती है। तो वो नज़्म कुछ यूं है। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, लगता नहीं है जी मेरा, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे हैं, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे हैं, कह दो और जा बसे ये, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में, कितना बदनसीब है जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफर खुद एक अच्छे शायर थे। सीमाब अकबराबादी ने उन्हीं जज्बात को पेश करने की कोशिश की है जो जफर कहना चाह रहे होंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बहादुर शाह जफर के अवशेष वापस लाकर उन्हें जफर महल में दफनाने की कोशिश की गई थी। काफी साल पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कोशिश की कि वहां से बहादुर शाह जफर के जो मिट्टी है उसको दिल्ली लाया जाए, और उस दौर में एक किस्सा कुछ यूं हुआ कि पाकिस्तान से नवाज शरीफ ने भी कोशिश की कि क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के, रिलीजन के नाम पर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर की जो मिट्टी है वो पाकिस्तान आ जानी चाहिए। इस झगड़े में फैसला किसी भी हक में नहीं हो पाया और वो मिट्टी, वो कब्र आज भी बर्मा में रंगून में मौजूद है।
बहादुर शाह जफर की जिंदगी और मौत दोनों की कहानियां बदकिस्मती की निशानियां हैं। आज मुगलों के आखिरी महल की गवाह महज ये चंद खंडरें और एक खाली कब्र है।